संसद में नारी शक्ति बंधन बिल पास होने पर महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा धन्यवाद करता है। हरियाणा में हमारी सरकार ने पहले ही महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से आधी आबादी को उनका हक मिलना सुनिश्चित होगा। 2015 में पानीपत की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये भी ठीक है कि ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए उसमें एक मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पानीपत में, ही प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिलाने वाला बिल पास होने से सभी बहनों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। इस बिल के पास होने से हमारी बहनों, माताओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित होगी। हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे पंचायती राज है चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जो हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहाँ तो कर दिया है लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा, तो हम विषय की बात कहते थे कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इस पर कुछ कह सकते। लेकिन देखिए वो दिन आ गया, स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन, मुझे लगता है शायद इस भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। पहले दिन ही ये बिल पेश हुआ, पास हुआ और राज्यसभा में पास होगा, फिर सभी देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा। आपको बता दें कि नई संसद के पहले दिन ही महिला विधेयक बिल पेश हुआ और प्रचंड बहुमत से पास भी हुआ। 2029 के चुनाव से पहले इस कानून से जुड़ी हुई सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2015 में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, जिसका परिणाम है कि हरियाणा बेटी बचाने वाला प्रदेश बन गया है। आज हरियाणा में 923-926 का रेशियो बन गया है। 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी, और जिन बहनों के चुनाव लड़ने के कारण से हमारे दूसरे बंधु थोड़ा उस समय उनके चेहरे देखने वाले होंगे, क्योंकि कल रात को मेरे पास सांसद मिलकर के आए थे, कह लगे हम पास कर रहे हैं, अपने आप ही पास कर रहे हैं अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए। अब बेटी बचाने वाला प्रदेश सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से, जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा दिया जाता था कि जेंडर रेशो उस समय थी, आज वही जेंडर रेशो 923-926 एनुअल स्तर के ऊपर पहुंच गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हरियाणा के अलग अलग जिलों से दिल्ली आई हुई महिलाओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सभी महिलाएं नई संसद की ओर रवाना हुई। महिलाओं ने इस मौके पर खुशी जताई और आभार व्यक्त किया। हमें बहुत खुश हुई, हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे हरियाणा के स्टेट के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने की 33% का आरक्षण बीबियों को विधानसभा और पार्लियामेंट में दिया। आज उस खुशी में हम संसद भवन में, आप लोगों की भागीदारी बढ़ गई है, अब लोकसभा में भी विधानसभा में भी आप लोग भी अब चुनाव लड़ सकेंगे जब ये कानून बन जाए। मोदी जी का सराहनीय कदम है, उनके बहुत आभारी है इस बिल के लिए। उनके
कि उन्होंने मोदी जी के बारी है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए इसकी बारी आई है, अब हम देखेंगे हम क्या करेंगे, आप लोग भी देखना है, ठीक है। तो महिलाएं का कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा से कही जा रही है और हमें इतनी खुशी है कि आज हम इसके साक्षी हैं। हम सब जो हरियाणा से आए हैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं, तो हम इसके साक्षी हैं और ये ऐतिहासिक पल है जिसे हम जीने जा रहे हैं। यकीनन देश की आधी आबादी को जो अधिकार दशकों पहले मिल जाना चाहिए था, उसे मिलने में बहुत देरी हुई। जब हम समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं और जब पुरुषों के साथ महिलाएं हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर देश को गौरवान्वित कर रही हैं, तो ऐसे में कोई कारण नहीं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। नारी शक्ति बंधन बिल के पूर्ण बहुमत से पास होने पर आने वाले समय में लोकसभा हो या फिर विधानसभा, नारी शक्ति की धमक जरूर देखने को मिलेगी। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।